the larger issue is what makes a man have the audacity to do a hideous crime like this. बहुत दुखी है एक माँ होने के नाते, बेटी की माँ होने के नाते मैं उन तरह का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं और राज्य सरकार ने इस मामले में एक SIT का निर्माण किया है। ये हेल्पर क्या कर रही थी, स्कूल की टीचर क्या कर रही थी, स्कूल का मैनेजमेंट क्या कर रहा था, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से दो बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक SIT का निर्माण किया है, IG लेवल की महिला अधिकारी को SIT का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए, इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। बहुत दुखी है एक माँ होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते मैं उन तरह का आक्रोश समझ सकती हूँ। दुख इस बात का होता है कि बार बार महिलाओं को बोला जाता है कि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय मिलेगा, पर वोट पाने के बाद उनको कुछ नहीं मिलता। 2021 में उधर बाला साहेब ठाकुर जी के नेतृत्व में एक सख्ती कानून बिल जो एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी, ज्वाइंट कमेटी के बाद असेंबली में लाया गया था, बहुत उस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसको पास किया गया। उसको सिर्फ एक प्रेसिडेंट नॉट की जरूरत है। 2022 में जिस तरीके से हमारी सरकार गिराई गई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार गिराई गई, उस पर देवेंद्र फडणवीस बने थे गृहमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की महिलाओं को वादा किया था कि सख्ती कानून को जल्द से जल्द पारित किया जाएगा। कल ही मैंने चिट्ठी लिखी कि 2021 से लेकर 2024 तक मैंने राष्ट्रपति को लिखा था कि रक्षाबंधन का एक शुभ पर्व है, आप उसको मंजूरी दीजिए, क्योंकि वहाँ पे महाराष्ट्र की महिलाओं को एक सख्त कानून मिलेगा जो उनको आश्वासन देता है कि 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन में वो केस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट होंगे, सेपरेट इन्वेस्टिगेटिंग टीम होंगी, सेपरेट पुलिस फोर्सेज होंगी जो सिर्फ महिला और बच्चों की बेटियों के न्याय की बात करेगी। आज तक इसको पास नहीं किया गया है। आज देवेंद्र फडणवीस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस से मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जरूर पूछेंगे कि कितनी चिट्ठी इन्होंने राष्ट्रपति को लिखी कि सख्ती कानून जो कानून है, सख्ती महाराष्ट्र का सख्ती कानून लॉ है, उसको आप मंजूरी दीजिए। दुख इस बात का होता है जब वहाँ की माताएं बैठकर कह रही हैं कि हमें आपके 1500 रुपये नहीं चाहिए, लाड़की बहना योजना जो आप 200 करोड़ के लागत पे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें अभी बेटी को सुरक्षा दीजिए, हमारी बेटियों को न्याय दीजिए। 4 साल की लड़कियां थी, घर के बाहर अगर कोई सुरक्षित माहौल होता है, उनका स्कूल होता है, स्कूल में ही इस तरीके का जघन्य अपराध हो तो बेटियां कहाँ जाएं। बार बार कहा जाता है बेटियां लड़कियां अगर इस तरीके के कपड़े पहनती हैं तो अब मर्द आक्रोशित होते हैं, अगर महिलाएं रात को लेट निकलती हैं तो मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कब तक महिलाओं पर आप दोष मढ़ेंगे, कब तक जिम्मेदारी महिलाओं की बनी रहेगी, कब तक उनको न्याय से आप दूर रखोगे, तब तक आप अपनी चुप्पी बांधे रखोगे हरकतों पे जो महिलाओं के खिलाफ होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आक्रोश आज महाराष्ट्र में दिख रहा है वो वही आक्रोश है जो वेस्ट बंगाल के लिए दिखा था, ये वही आक्रोश है जो निर्भया के समय को दिखा था। कानून तो बने, कानून का पालन करने की क्षमता जो होनी चाहिए उसमें कमी रह गई है। और And you'll have an SIT and you'll have a fast track court. That's one issue. The larger issue is what makes a man have the audacity to do a hideous crime like this, a heinous crime. How do you equate the robbing of a girl child's free childhood, her innocence? How do you even compensate for that?
No fast track. I'm not saying don't have the fast track, have it. But that's not the issue unless there is severe reaction and people get caught and they realize that there are consequences to their behavior. This is not going to stop. And we need to worry about it, all of us collectively. लड़कियों के ऊपर जिनकी उम्र 3.5 4 साल थी, ऐसे दो बच्चियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना है। ये स्कूल में जो जिस प्रकार से सुविधा होना चाहिए था कि जब भी छोटी बच्चियां स्कूल में रहती है तो वहां पे उनके लिए एक हेल्पर रहती है, उनको वॉशरूम में लेके जाना लाना उसके लिए मदद करती है। ये हेल्पर क्या कर रही थी, स्कूल की टीचर क्या कर रही थी, स्कूल का मैनेजमेंट क्या कर रहा था, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। अब यह भी मालूम पड़ा है कि इसमें SIT राज्य शासन ने बैठाई है, SIT के जरिए से जल्द इंक्वायरी होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए। उसमें दूसरी बात यह सामने आई है कि 12 अगस्त की घटना है और 12 अगस्त की घटना है, 16 अगस्त को जब जिनके बच्चों पर अत्याचार हो उनके घर वाले जब इसकी शिकायत करने पुलिस स्टेशन गए, मामला दायर करने के लिए जब पुलिस स्टेशन में गए तो 13 घंटे उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। मुझे समझता नहीं कि इतनी की शर्मनाक घटना जब घटती है तो उसकी तो तुरंत वहां पे दर्ज होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी चालू होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने जो वहां बदलापुर की जो पुलिस थी वहां पे 13 घंटे उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की। मेरी मांग रहेगी कि इसके बारे में तुरंत चौकसी होना चाहिए कि इतना देर उनके घर वाले जब वहां पे गए तो शिकायत करने के लिए इतना देर पुलिस ने क्यों लगाया, इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए और इनके ऊपर भी कड़क कार्रवाई होना चाहिए।